अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधार लो, क्योंकि एक छोटा सा छेद पूरे जहाज को डुबा सकता है। और जिंदगी में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें मत करना, क्योंकि बड़ी बातें करने से इंसान समझदार नहीं बन जाता। समझदार तो वो होता है जो छोटी छोटी बातों को भी समझ जाता है, जिसका जिंदगी में एक लक्ष्य होता है। इसलिए जीवन में तुम भी एक लक्ष्य जरूर बनाना, जो हर रोज तुम्हें बिस्तर से सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। और ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में वो लोग हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं जो लोग अपने अपमान का बदला लेने की बजाय अपने अंदर बदलाव लेकर आते हैं। अगर कहीं कोई अच्छी चीज सीखने को मिलती है तो जरूर सीखो, क्योंकि जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही दिमाग को संतुलित रखने के लिए उत्तम विचारों की भी जरूरत होती है। कभी भी अपने आप को हीन भावना से मत देखना, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में हर किसी का जन्म अलग उद्देश्य और अलग कार्य के लिए होता है। ये जिंदगी का कड़वा सच है कि कुछ बातें दूसरों के समझाने से समझ में नहीं आती, ऐसी बातें हमेशा खुद पर बीतने पर ही समझ आती हैं। याद रखे, कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग अपमान का बदला अपमान करने वाले से ज्यादा कामयाब होकर लेते हैं। इसलिए कभी मूर्खों को और दुश्मनों को समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि ऐसे लोग वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसे लोगों के साथ साथ हमेशा दुखी रहने वालों से भी उचित दूरी बनाकर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने दुख से आपके मन के हुए भी सोए हुए दर्द को जगा देते हैं। अरे, ज्ञानी व्यक्ति का भी दिमाग भ्रमित हो जाता है जब वो किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देता है। इसलिए दूसरों को समझाने, दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो। समय रहते अगर इंसान खुद को बदल ले तो जिंदगी उसे बहुत कुछ दे देती है, नहीं तो जब समय इंसान को बदलता है तो जिंदगी उससे बहुत कुछ छीन भी लेती है। किसी व्यक्ति से अधिक लगाव बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ बढ़ाता है और उम्मीद हमेशा दुख देती है। इसीलिए किसी दो कौड़ी के इंसान के पीछे भागने से लाख गुना अच्छा है कि अपने सपनों के पीछे भागो। अरे, पागल बनना ही है तो अपने लक्ष्य के लिए पागल बन जाओ, क्योंकि केवल प्रयास करने से कोई इंसान सफल नहीं हो पाता। सफल होने के लिए इंसान को प्रयास करने के साथ साथ जिद्दी भी बनना पड़ता है। अपना चरित्र कुछ ऐसा बनाओ कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो सामने वाले व्यक्ति को यकीन ना हो। याद रखें, जब वक्त अच्छा होता है तब नफरत करने वाले भी आपको चाहने लगते हैं, और जब वक्त बुरा होता है तो चाहने वाले भी नफरत करने लगते हैं। ताकत और कमजोरियां तो हर इंसान के अंदर होती हैं। मछली कभी जंगल में चल नहीं सकती और शेर कभी पानी में राजा नहीं बन सकता। इस दुनिया में अक्सर ऐसा जरूर होता है कि जो लोग बुरे होते हैं उनका वक्त अच्छा होता है, और जो लोग अच्छे होते हैं उनका वक्त बुरा होता है। लेकिन जब यही वक्त सजा सुनाता है तो ना किसी वकील की जरूरत पड़ती है और ना किसी जज की। किसी ने क्या खूब कहा है, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करता है, इसलिए धागे को लपेट कर और अपनी जबान को समेट कर ही रखना चाहिए। किस्मत से मत पूछो कि उसने तुम्हें क्या दे दिया, बल्कि अपने आप से पूछो कि तुमने अपने लिए क्या कर लिया। आज जिंदगी के मजे लेकर अपना कल बर्बाद मत करो। उठो और अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने कल को बेहतर बनाने के लिए काम करो, और अपने दिल में अमीर देखने की नहीं बल्कि अमीर बनने की चाहत रखो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी मत रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये उस वक्त पर भी हमला कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हर समस्या एक नई सीख देकर जाती है, और उस सीख में इंसान की जिंदगी बदल देने की क्षमता होती है। जब जिंदगी कभी भी नया मौका दे तो पुरानी गलतियों को कभी मत दोहराना। अरे, बार बार दुख झेलने से तो बेहतर है कि अपने जीवन से उस व्यक्ति को हटा दें जो आपके दुख का कारण बनता है। याद रखना, तलवे चाटने वालों से दूरी बनाकर ही रखना, क्योंकि जो इनके जाल में एक बार फंस जाता है वो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाता। अगर मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इसको शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।